जस्ट लाइक अरुणा। बर्निंग डिजायर किसकी तरह होनी चाहिए? अरुणा सिंह। एक लड़की, आप लोगों को शायद याद होगा, कुछ लोगों को, लखनऊ से जा रही थी दिल्ली परीक्षा दे सीआरपीएफ की। रात में कुछ लुटेरों ने इन्हें लूटा। लूटने के बाद ये लड़की भिड़ गई, झगड़ा करने लगी। उन लड़कों ने इसे उठा करके ट्रेन से बाहर। यही लखनऊ से आगे की घटना है। और रात में किसी को पता ही नहीं चला कि गुंडों ने उठा के इन्हें बाहर। सुबह किसान कुछ लोग शौच करने के लिए जा रहे थे तो देखा एक लड़की बेसुध अवस्था में वहां पर पड़ी। उस लड़की के दोनों पैर कट चुके और उस लड़की के ऊपर से लगभग 45 ट्रेन गुजर चुकी थी। और उस ट्रैक पर मोटे मोटे चूहे, जिसको कंकड़ पत्थर फेंक करके किसानों ने भगाया, क्योंकि वो चूहे उसके पैर को खा रहे थे, उतर रहे थे। अगले दिन अखबार की फ्रंट लाइन पर निकला कि एक फुटबॉल प्लेयर को गुंडों ने ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया, हॉस्पिटल में एडमिट। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने कहा यह लड़की झूठ बोल रही है, ये कोई सीआरपीएफ का एग्जाम देने नहीं जा रही थी, ये कोई फुटबॉल की प्लेयर नहीं। लड़की की हालत बहुत खराब थी, इसे अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इसके पैरों को काट दिया गया। लोगों ने नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया और पहुंचाने के बाद इनका इलाज शुरू हुआ। लगभग 12 से 15 दिन लगातार पेपर में इसकी इज्जत को उछाला गया कि ये लड़की अच्छी नहीं। और वो लड़की जब हॉस्पिटल में टीवी पर अपने आप को देखती रही होगी तो क्या करती रही होगी? शायद रोती रही होगी, कोसती रही होगी, किसी से कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं करती होगी। माता पिता की जो बेइज्जती हो रही थी, परिवार की जो बेइज्जती हो रही थी, वो अलग। अंततः हॉस्पिटल वालों ने इसे छुट्टी दे दी, पैरों को काट करके इनको इनके घर पहुंचा दिया। 3 से 4 महीने बाद जब ये चलने फिरने की हालत में थी तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कुछ अपने जीवन में ये कर पाए। इन्होंने कुछ लोगों के बारे में पता किया। इसने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है और जब तक मैं कुछ कर नहीं लेती तब तक मैं अपने घर से वापस नहीं आऊंगी। ये घर से निकल गई, चली गई कलकत्ता। कलकत्ता में जाकर के बछेंद्री पाल से मिली। किससे? बछेंद्री पाल। उससे रो रो करके इन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब नाम कमाना है। उसने कहा करोगी क्या? उसने कहा विश्व की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। बछेंद्री पाल ने कहा मर जाओगी, नहीं चढ़ पाओगी। उसने कहा मैं चढ़ूंगी। तुम नहीं चढ़ पाओगी, इसने कहा मैं चढ़ूंगी, मुझे सपोर्ट कर। उन्होंने कहा कि सपोर्ट करने के लिए मैं किससे कहूं, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास पैर नहीं। तो उसने कहा किसी से बात करिए। तो उसने कहा हिंदुस्तान में तो एक ही है जिससे बात की जा सकती है। उसने कहा कौन? उसने कहा टाटा, रतन टाटा। रतन टाटा से बात हुई। टाटा ग्रुप ने इन्हें पैसे दिए, ट्रेनिंग दी गई। अंततः कुछ महीनों के बाद ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना शुरू हुई। चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। इनके साथ 7 पर्वतारोही थे जिसमें 4 मर चुके थे। 5वां नंबर इनका था। चोटी अभी और ऊंचाई पर थी। इनके ट्रेनर ने कहा अब नहीं चढ़ पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास उतना ही ऑक्सीजन बचा है जितना कि तुम नीचे लेकर के आ सकती आ सको। तो उसने कहा मुझे चढ़ना है।
मुझे चढ़ना रास्ता बताएं। कोच ने बताया, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल की चीजें करते हैं तो वहां ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, गुरु और मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ने कहा कर पाओगी, इसने कहा हाँ मेरे अंदर हिम्मत है मैं कर लूंगी। उन्होंने कहा जो चार रास्ते में मर चुके हैं उनके पास जाओ, उनके शरीर से सिलेंडर निकालो और अपने में लगाओ। फिर नीचे उतरती, फिर सिलेंडर भरती है, और जब तक ऊपर चढ़ती है तब तक इनके साथ का एक और आदमी मरे हुए लोगों के बीच में से चढ़ते चढ़ते इनके होंठ वगैरह सब फट चुके थे, हाथे फट चुके थे, थैलेसेमिया हो गया था इनको। अंततः ये लड़की एवरेस्ट की सबसे ऊंची ऊंचाई चढ़ी, विश्व की पहली लड़की जो बिना पैरों के दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे थी। इनके अंदर सिर्फ एक